गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज रिंकी सिंह एंड टुडे वी आर टेकिंग द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ अ वाइटल साइन। अगर हम वाइटल साइन की बात करें तो आज के समय में वाइटल साइन की जानकारी होना सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड लेवल कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, पल्स रेट कितना होता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, ब्लड शुगर कितना होता है, ये सारी टॉपिक को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उससे उसमें जो खून यानी कि ब्लड का जो फोर्स लगता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है जो उस पर फ्लो रेट जाता है ब्लड का, तो जितना भी फोर्स उसके वॉल पर लगता है ब्लड का उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसको किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, तो इसको स्फिग्मोमेनोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है ब्लड प्रेशर को। अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर का प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे का प्रेशर होता है। अगर हम बात करें कि न्यू बॉर्न बेबी में यानी कि नवजात शिशु में ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 95 mmHg होता है। वहीं हम बात करें यंग अडल्ट्स का यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ओल्ड एज की 150/90, हाई ब्लड प्रेशर होता है 140/90 और बहुत वेरी हाई ब्लड प्रेशर होता है 150/95। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है यानी कि 140/90 है या 150/95 है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है? हमें ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसी को ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भी सप्लाई होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए शरीर में और कितनी होती है, सामान्य कितनी होती है, उसको जान लेते हैं। अगर हम बात करें सामान्य ऑक्सीजन लेवल कितना होता है, तो 95 होता है। और बहुत सही या बात करें कि सबसे सही ऑक्सीजन लेवल कितना होता है, 9500 अगर ऑक्सीजन लेवल है तो ये पर्याप्त क्वांटिटी में है। और थोड़ा कम अगर होता है तो ऑक्सीजन लेवल कम है, 90 से 93 कम माना जाता है, और 90 से और कम को बहुत कम ऑक्सीजन लेवल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का तापमान है वो थर्मामीटर से नापा जाता है। नॉर्मल तापमान 92 to 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर हम बात करें थोड़ा सा ज़्यादा होता है 99 और ज़्यादा होता है 100 to 102। यहाँ अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है इस टाइम पर मरीज़ को बुखार रहता है। हार्ट रेट या पल्स रेट की बात करें, जो दिल की धड़कन होती है उसी को हार्ट रेट कहा जाता है, और वही ब्लड के थ्रू जब वो आपके शरीर में पहुँचती है उसी को पल्स रेट कहा जाता है। तो अगर हम नॉर्मल हार्ट बीट की बात करते हैं, हार्ट रेट या पल्स रेट की बात करते हैं, 72 per minute होता है, थोड़ा कम 60 to 80 होता है, थोड़ा बड़ा हुआ 90 to 120 होता है। नेक्स्ट हम ब्लड शुगर की बात करते हैं। ब्लड शुगर आपका दो डिपेंड होता है, एक तो फास्टिंग और एक पीपी। फास्टिंग का मतलब होता है खाना खाने से पहले, और पोस्ट प्रैंडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद। तो फास्टिंग आपका 70 to 100 mg/dL होना चाहिए, और आपका पीपी जो होना चाहिए 70 to 140 होना चाहिए। तो फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर होता है। डीएल का मतलब यहाँ पे डेसीलीटर कहा जाता है। रेस्पिरेटरी रेट की बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी रेट आपकी श्वसन क्रिया जो होती है, रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 से 16 ब्रेथ पर मिनट होना चाहिए, यानी कि पर मिनट में हम 12 से 16 बार ब्रेथ करते हैं, ये रेस्पिरेटरी रेट कहलाता है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।